जीवन कहां पर है? हमारी पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। क्यों? और इसे नीला ग्रह भी कहा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी को अनोखा ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? कि जब हम आसमान से देखते हैं तो पानी होने के कारण 3/4 जल, अगर पूरी पृथ्वी के 4 हिस्सा करे जाए तो 3 हिस्से में पानी है, और जब आसमान से देखते हैं तो पानी के कारण पृथ्वी नीली दिखती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, और जीवन के लिए 3 चीजें चाहिए, जल, वायु और जमीन। जल पीने के लिए, वायु सांस लेने के लिए, और जमीन रहने के लिए। दुनिया का ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जिसको जमीन नहीं चाहिए। अब कोई कहेगा पानी में, और पानी भी कहाँ पर है? जमीन पे। चमगादड़, अभी कहा कि चमगादड़ पेड़ पे रहता, तो वो भी पेड़ कहाँ पे है? जमीन पे। तो यहाँ जहां पर ये तीनों मिलते हैं, ध्यान दीजिए, जलमंडल, वायुमंडल, जल, जहां पर देखिए जल है उसको जलमंडल कहते हैं, जहां वायु है बहुत सारी उसे वायुमंडल कहते हैं, जहां जमीन है स्थल है उसको स्थल मंडल कहते हैं, और जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं, ध्यान दीजिए, जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं उसको जैव मंडल कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि जैव मंडल बायोस्फीयर क्या है, तो जैव मीन्स जीवन, जैव मीन्स जीव। जीव कहां पर रहेगा? जीव कहां पर रहेगा? जीव में हम भी आते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब जीव। जमीन पर कैसे रहेगा? जमीन पे नहीं रह सकता, केवल जमीन पे रुकने के लिए जमीन चाहिए। जमीन तो चंद्रमा पे भी है, तो वो क्या वहां रह सकते हो? जैव मंडल कहां पर? जहां पे तीनों चीजें हैं, जल भी हो, वायु भी हो, जमीन भी हो, जल मंडल भी हो, वायुमंडल भी हो, और स्थल मंडल भी हो, स्थल यानी कि जमीन। जहां पर ये तीनों मिलते हैं उसी को जैव मंडल कहते। जैव मंडल, जैव यानी कि जीव, जैव मीन्स जीवन, जहां पर जीव रहते हैं, जहां पर जीवन है उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? और जैव मंडल कहां पर है? जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं। चलिए इस पाठ को पृथ्वी के परिमंडल, इसको विस्तार से बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? 3 चीजें, जैसे क्या कहा मैंने, जीवन का, जल, जमीन और वायु। तो हमेशा ध्यान रखिए, जल को प्रदूषित ना होने दें, जल की पूजा करें, जल को प्रदूषित ना होने दें, जल की पूजा करें। जमीन, सुबह उठने से पहले, चारपाई से जमीन पे पैर रखने से पहले, पहले उसको हाथों से छूकर माथे पर लगाएं, नमस्कार करें। उसके बाद वायु, हवा, हवा की भी पूजा करें, और उसको प्रदूषित मत होने दें, तभी हम जीवित रह सकते। अगर ये तीनों प्रदूषित हो जाएंगे, जमीन भी, जल भी, वायु भी, तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना हमारा इधर ठिकाना ना उधर ठिकाना।